हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने किस ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। रॉ बनाना कोफ्ता करी कैसे मैं घर में बनाती हूँ, बहुत ही इजी प्रोसीड्योर में आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी आज मैं। अभी आप लोग सोचेंगे कि कोफ्ता करी किसको नहीं बनाना आता है, तो सबका ही खुद का एक हटके वाला रेसिपी होता है, तो मेरा भी हटके वाला रेसिपी लेकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चली आई। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपके वाली रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपकी रेसिपी जान के बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड उसके साथ जो बेल बटन है उसको क्लिक करके ऑल ज़रूर करके रखिएगा। मेरी दीदा की रेसिपी है, सो चलिए वीडियो पर जंप करते हैं और देख लेते हैं इसका प्रोसीजर। सो यहाँ पे उन्होंने बॉयल कर लिया है पोटैटो एंड रॉ बनाना, और इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं। और इसके साथ नमक, चॉप्ड अनियन, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बेसन, हल्दी सब के साथ अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे उन्होंने ग्रेट करके थोड़ा जिंजर भी डाला हुआ है। अभी तेल गरम करके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर उन्होंने अभी फ्राई करना शुरू किया। और चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से वो फ्राई कर लेंगे इनको। गोल्डन ब्राउन होने पर ही वो निकाल लेंगे सारे कोफ्तास को कढ़ाई से बाहर। अभी उसी कढ़ाई में थोड़ा और तेल ऐड करके उन पे वो चॉप किया हुआ प्याज एंड बे लीव्स एक साथ फ्राई कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने एक मिक्सचर ऐड किया है जिसपे उन्होंने डाला ग्रीन चिली, अदरक लहसुन, टोमेटो, और फिर इन्होंने डाला है ज़ीरा, धनिया और हल्दी का पाउडर। यहीं पे उन्होंने ऐड किया है रेजिन्स जो हम लोगों ने पहले से भिगो के रखा था। उसके बाद कश्मीरी रेड चिली पाउडर वो डाल रहे हैं ताकि इसमें एक सुंदर सा कलर आ जाए। बस इन सब को अब तेल छोड़ने तक फ्राई करनी है। और मैं जब भी कोई करी में सिनेमन एंड कार्डमम डालती हूँ ना, तो नीचे मैं ऐसे गर्म कर लेती हूँ गैस पे, तो इसका स्मेल बहुत अच्छा आता है। लेकिन आजकल इसके अगर हम लोग डालेंगे ना, तो उसका स्मेल उतना अच्छा नहीं आता है। तेज में वो काजू पीस के डाल रहे हैं और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे मसालों के साथ। मसाला फ्राई होते ही तेल छोड़ेगा और साथों साथ इसमें पानी डाल दीजिए और गरम किया हुआ सिनेमन कार्डमम का अच्छा सा एक पाउडर बना के इसमें डाल के मिक्स कर लीजिए और बॉयल आने तक इसको पकाइए। एंड जैसे ही इसमें बॉयल आए तो ऐड कर दीजिए सारे कोफ्तास और 5 सेकेंड के लिए इसको ढक के पकाइए। 5 सेकेंड बाद गैस को ऑफ करिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कौन कौन ये रेसिपी घर में आज ही ट्राई करने वाले हैं, ट्राई करके मुझे पिक ज़रूर भेजिएगा। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल। सो मैं जल्द ही लौटूंगी और एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।